हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं परमिंदर आपके चैनल पीएस प्रॉपर्टीज में आज फिर लौट आया हूँ जी। तो आज हम लेके आए हैं 200 गज में 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, 200 गज में बना हुआ, बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज में। बिल्कुल ये प्राइस बहुत ही कम बजट में रहने वाली है ये कोठी, इतना कि अपनी जो जिनका 1 CR तक का करोड़ों में बजट नहीं है ना जी, और 200 गज की कोठी देख रहे हैं नॉर्मल बजट में, तो बहुत ही बढ़िया हम 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउस ले गए हैं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं वीडियो में इसमें आपको जो है प्राइस रिवील करूंगा लास्ट में ज़रूर, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट में मत कीजिएगा। कोठी देखने वाली है, फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको कि इसका प्राइस क्या रहने वाला, बहुत ही बढ़िया प्राइस में रहने वाला, आपके बजट में रहने वाली। तो ये प्रॉपर अपनी घर लांड्रा हाईवे के साथ अपने सेक्टर 115 में कोठी रहने वाली है। लोकेलिटी की बात करूँ तो आप इस साइड देख सकते हैं, प्रॉपर फैमिलियाँ रह रही हैं, घर बने हुए हैं, सारे ही 200 गज की प्लॉटिंग हुई हुई है। प्रॉपर ये गेटेड सोसाइटी में घर रहने वाला है। इस साइड आप देखें तो गेट लगा हुआ ऑलरेडी, और उसके अलावा इस घर में हमारे पार्किंग की किसी भी तरह की कमी नहीं रहने वाली। इस साइड आप देखें एक्स्ट्रा कार पार्किंग का प्रोविज़न है। साथ में अगर आप मेरे इस साइड देखें तो इस साइड भी हमारे पास प्लॉट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और जब तक नहीं बनता तो 3-4 गाड़ियाँ हमारी इसी लाइन में लग जाएगी। तो जैसे कि आप इस साइड देखें जहाँ पर हमने गाड़ी लगा रखी है अपनी, यहाँ पे भी कोई भी घर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो करंटली 7-8 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ा सकते हैं, 3 गाड़ियों के हमारे पास घर के अंदर प्रोविजन मिल रहा है, 2 गाड़ियाँ अंदर लग जाएंगी, 1 गाड़ी हमारी बाहर आ जाएगी। तो हमें कार पार्किंग को रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को रिलेटेड हमें किसी भी तरह का इस घर में इशू नहीं रहने वाला। तो आप फ्रंट एलिवेशन देखें, सारे हमने जो है फ्रंट एलिवेशन में ऊपर तक मोंटी रहने वाली है, 4 BHK विथ टॉप रूफ तक स्टेयर्स रहने वाली हैं, और फुल अपनी जो एलिवेशन है वहाँ पे हमने अपनी टाइल्स लगा रखी हैं। अंदर सारा पत्थर लगा हुआ है, पूरा गेट हमने आयरन का रखा है, तो छोटा गेट रखा, उसके बाद बड़ा गेट रखा है कि आराम से गाड़ियाँ सीधी 2-3 गाड़ियाँ अंदर आराम से पार्क हो जाएंगी, एक आगे हो जाएगी, उसके अलावा यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पर अपनी 2-व्हीलर पार्क हो जाएगा आराम से। वो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ये हमारी कोठी रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आप ये वीडियो कोठी ले पाएँ। तो 5th बेडरूम हमने यहाँ पे जो क्या है, 1st वॉशरूम का प्रोविज़न दिया है। अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं हमारे घर में, गेस्ट आते हैं, तो इनका नहीं कि हमारे रूम की प्राइवेसी से वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, हमने कॉमन वॉशरूम दिया है। 2nd ड्राइंग रूम की एंट्रेंस इस साइड से दे रखी है, और अंदर से भी अपनी मेन कनेक्टिविटी यहाँ से रहती है जी। बोरवेल अपना करा रखा है सोसाइटी का, हम घर का बोरवेल हुआ। आयरन की सारी ग्रिलिंग मिलने वाली है, टॉप रूफ तक डाउन वॉल सीलिंग हमें मिलने वाली है। 8 फीट की हाइट के डोर रहने वाले हैं ये अपनी, जो आप इसकी क्वालिटी देखें तो ये हमारी जैपनीज की अपनी जो चगाठें हैं वो रहने वाली हैं, तो बहुत ही बढ़िया। हाइट देखें तो 8 फीट की ये हमारी हाइट में डोर रहने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया ये घर हमारा रहने वाला। अगर आप अंदर आके देखें, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो किसी टाइम ऐसा रहता है कि फ़ोन में देख नहीं होता, बट अगर आप देखें, अगर वुडन की भी क्वालिटी देखें तो बहुत ही हैवी वुडन यूज़ किया गया है। इस साइड आती है जी हमारी मॉड्यूलर किचन, आप देख सकते हैं यू शेप में प्रॉपर ग्रेनाइट का काम किया हुआ है, सारे सॉफ्ट क्लोजर लगे हुए हैं, यू शेप में हमारी किचन रहने वाली है। और स्पेस की बात करें तो बहुत ही अच्छी स्पेस मिलने वाली है। अगर ये स्पेस देखें आप इस साइड, अगर आगे देखें तो हम बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो आराम से खेल सकते हैं हमारे घर में, इतनी अच्छी हमें स्पेस मिलने वाली है। इस साइड हमने प्रोविज़न दिया है जी LED पैनल का, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 10 सीटर 12 सीटर आराम से सोफ़ा सेट आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा हम पार्टीशन करके यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी हमें स्पेस मिल रही है। आप लास्ट तक देखें तो बहुत ही बढ़िया हमें स्पेस घर के अंदर मिल रही है। उसके अलावा हमने पूजा रूम बनाया जी, घर में पूजा रूम का होना, पूजा घर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे पूजा घर का प्रोविज़न दिया है जी। तो आप जैसे देख पा रहे हैं हमें पूजा रूम, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हमने 1st फ्लोर पे भी सेम एज इट इज़ पार्टीशन आपने लगाना है तो लगा सकते हैं, मतलब कि हमें 2 प्रोविज़न है, एक फ्लोर पर हम पूजा रूम बना सकते हैं, एक फ्लोर में हम एज ए स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमें स्पेस मिल रही है। अगर हम रूम साइजेस की बात करूं तो 12x14 के हमारे रूम साइजेस रहने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये स्पेस घर की रहने वाली।
तो उसके अलावा आप डाउनफॉल सीलिंग में देखें तो से सारे घर में हमें डाउनफॉल सीलिंग रहने वाली है। कबर्ड्स हमारे स्लाइडिंग कबर्ड्स रहने वाले हैं, हमें स्लाइडिंग जो है सारे कबर्ड्स मिलने वाले हैं, नीचे शू रैक मिलेंगे। इसकी अगर क्वालिटी आप आगे देखेंगे तो दिखने में ही पता चल जाती है कि क्वालिटी बहुत बढ़िया यूज़ की गई है। बाकी ड्रेसिंग में भी हमें स्टोरेज मिल रही है, मतलब बहुत अच्छी खासी हमें स्टोरेज देखने को मिल रही है। जितने भी घर है उस स्पेस के साथ हमें अच्छी खासी स्पेस के साथ मिल रही है। फाइनल टच रहता है तो ये अपनी जो कोठी थी ये बिकने वाली थी और बहुत ही बढ़िया अपनी प्राइस रेंज में थी, तो बहुत ही जल्द सोल्ड आउट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपके लिए जल्दी ही इसकी अपनी वीडियो लेके आया हूँ कि आप अगर अच्छे अपनी इतना बजट लेके चल रहे हैं, कोठी देख रहे हैं, तो आप इसका आप बेनिफिट ले सकें। 2x4 की हमारी फुल वॉल टाइल्स रहने वाली हैं, जैगवार की बाथ फिटिंग्स लग जाएंगी सारे घर में, अच्छी खासी स्पेस हमें बैक साइड पे वॉशिंग एरिया की मिल रही है प्रॉपर। ये हमारी 4BHK कोठी हमें देखने को मिल रही है और उसके अलावा हमारा घर जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो मुझे आप जल्द से जल्द कॉल, मेरा ऊपर नंबर शो रहा होगा, देखिए कुछ चीज़ें जो घर होते हैं मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं कि जल्दी अपनी सोल्ड आउट हो रही है, आपने जल्दी सोल्ड आउट कर दिया, तो बहुत ही वैसे ही ऑप्शन है ये जल्दी सोल्ड आउट होने वाली, तो आप मुझे जल्द से जल्द कॉल करके पूछ सकते हैं। सेम हमारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा, इस साइड हमने जो है LED पैनल कुछ एक्स्ट्रा अलग तरीके का दिया गया है, अलग डिज़ाइन के साथ नीचे स्टोरेज दी गई है, साथ में आता है जी अटैच वॉशरूम, थोड़ा बहुत फाइनल टच रहता है तो उसके लिए अंदर स्टेयर्स पड़ेंगे। बाकी डाउनफॉल सीलिंग हमें वॉशरूम में भी मिल जाएगी, 2x4 की टाइल्स मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया स्पेस हमें वॉशरूम्स में मिल रही है। आप स्पेस देखें तो आप जब आके देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमें स्पेस मिलने देखने को मिलेगी इस घर के अंदर। और ये 2.5 स्टोरी हमारी ये कोठी रहने वाली है बहुत ही बढ़िया स्पेस के साथ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए, जिससे कि आपको जो घर में अंदर हम जब आते हैं तो हमें कुछ ही टाइम नहीं लगता, तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो वीडियो में मेरा यही रहता है कि आपको हर एक चीज़ आप देख पाएँ। अगर मैं स्टेयर्स की भी बात करूँ तो सारा पत्थर लगा हुआ है जी, स्टेयर अपने ग्रेनाइट सारा यूज़ किया गया है स्टेयर्स में भी, ग्रिलिंग लोहे की, ये सारी ग्रिलिंग हमें लोहे की मिल रही है टॉप रूफ तक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती जो लॉन्ग टाइम में काम आती हैं हमारे घर में, जैसे हम अपना घर बनाते हैं वैसे ही ये काम आती हैं। अभी देखें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हमने अलग से गेस्ट रूम का डोर दिया गया है। तो नॉर्मली जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हमने उस चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भी हमने गेस्ट रूम का कोम अपने ड्राइंग एरिया का प्रोविज़न रखा है, नॉर्मली हम देखते हैं नहीं रखा रहता, पर इसमें हमने दिया है। डाउनफॉल सीलिंग में सारी लाइट्स मिल जाएंगी, मैच डोर मिल जाएगा, तो प्रॉपर हमारी स्पेस के साथ जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे प्रॉपर 4BHK कोठी ये रहने वाली है। डाउनफॉल सीलिंग देखें सेम एज इट इज़ मिलने वाली है। इस साइड ऊपर हमें जो है एल शेप में मॉडुलर किचन मिलने वाली है, तो आप जैसे कि देखें ये हमारी एल शेप में मॉडुलर किचन रहने वाली है, डाउनफॉल सीलिंग मिलने वाली है। इस साइड हमने प्रोविजन दिया, आप इसको पूजा रूम बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले को आप स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं। AC की फिटिंग आपने देखा सारे घर में हो रखी है, किसी भी तरह की हमें अलग से कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी पाइपें पड़ी हुई हैं, टाइलें सारी लगी हुई हैं। आप टाइलों का साइज़ देखें तो बड़ी साइज़ वाली हमने टाइलें लगा रखी हैं, तो बहुत ही बढ़िया काम घर में हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर क्वालिटी के साथ और बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज। तो ये आते हैं जी हमारा थर्ड बेडरूम। नीचे जो हमने वुडन टच वाली टाइल्स लगाई गई हैं, ये अपनी टाइल्स ही बट वुडन वाली लगा रखी हैं। सेम हमारे LED कबोर्ड्स रहने वाले हैं, वॉर्डरोब्स रहने वाले हैं, LED पैनल का थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, साथ में देखें आप अटैच वॉशरूम 2x4 की हमने टाइल्स यूज़ करी, तो साइज़ बहुत ही बड़े हमारे अच्छे डाउनफॉल सीलिंग के साथ हमारे वॉशरूम्स रहने वाले हैं, तो ये जो हमें बहुत बेनिफिट हो जाते हैं जी। तो घर हम देखने के बहुत खुला है जी, खुला डुल्ला हमें घर मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये जो डील रहने वाली है। ये आता है जी हमारा 4th बेडरूम, आप देखें इसका जो आप रूम साइज़ है वो आप देख पा रहे हैं, जो आप जितना रूम देखें सिर्फ यहाँ पे बेड आएगा, क्योंकि जो हमारे कबोर्ड्स हैं वो हमने इस साइड शिफ्ट किए हैं जी, इस साइड हमारे स्लाइडिंग कबोर्ड्स आ जाएंगे, साथ में ड्रेसिंग आ जाएगी और उसके साथ ही हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा। एक अपने प्राइवेट रूम्स दिए हैं, प्राइवेसी के साथ हमारे वॉशरूम दिए गए हैं, वो बहुत ही बढ़िया इसका नक्शा पास किया गया।
तो अगर आप देखें, अगर ये हम रूम यूज़ कर सकते हैं, अब यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमने अपनी प्राइवेट बालकनी को जाने के लिए अलग से प्रोविज़न दिया गया, तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये घर रहने वाला। उसके अलावा ऊपर तक हमारी जो है स्टेयर्स जाती हैं, तो ऊपर भी हमें स्टोरेज का एक्स्ट्रा से प्रोविज़न मिल रहा है, बाहर से स्टेयर चढ़ी हुई हैं, तो इसकी सब चीज़ों की कॉस्टिंग एक्स्ट्रा हो जाती है जो हमें इसमें इंक्लूडिंग मिल रही है। तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा कॉल करने में किसी भी चीज़ के रिलेटेड क्वेरी के लिए, बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। मैं प्राइस की बात करूँ तो जैसे कि आप बिल्कुल, मुझे पता है कि प्राइस की आप वेट कर रहे थे कि इस वीडियो का, इस कोठी का प्राइस कितना रहने वाला। तो ये जो कोठी मिलने वाली है हमें 85 लाख में ये कोठी रहने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया ये डील रहने वाली है। 200 गज की 4 बेडरूम 5 वॉशरूम विद मॉन्टी ये कोठी रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर क्वालिटी के साथ। तो जल्द से जल्द मेरा नंबर शो हो रहा है ऊपर, आप कॉल करके मुझसे जल्द से जल्द कॉल करके पूछिए और ये विजिट करें, बहुत ही बढ़िया हमारी कोठी रहने वाली है। बाकी जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए कीजिए किसी भी चीज़ की रिलेटेड क्वेरी रहती है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।